चीते आ गए तो मेरे खाबों में जो ये तो इट्स लाइक वाचिंग टाइगर किंग लाइव जो एक्सोटिक तो कैरम बास्केट नहीं नेवर यहाँ पे मोहब्बतें की शूटिंग हुई थी सही बात है और इसमें कैलोरीज यस So guys, now, मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम टाइगर्स एंड लायन देखूंगा बिकॉज जब मैं छोटा था हम दिल्ली में जू गए थे बट मैं बहुत छोटा था तो मेरी बड़ी बहन देख के आई थी लाइक केज के पास टाइगर को तो सिर्फ बड़ों के साथ वो अंदर जा सकते थे मैं बहुत छोटा था मुझे अभी तक याद है कि यार वो मैं नहीं देख पाया था बट आज मैं फर्स्ट टाइम लायन एंड टाइगर देख लूंगा बहुत एक्साइटेड हूँ आई होप हमारी गाड़ी पे अटैक ना कर दे मुझे तो लग रहा है कि हमने ये कार आज ही के डे के लिए ली थी क्योंकि जो रूफ है ना जो मजा आया मुझे बाहर निकल के सब मैंने देखा प्रॉपर सफारी एक्चुअल सफारी तो यही है कि मैं निकल के बाहर देख रही हूँ और अगर आज हम अब तुम्हारी BMW में होते ना तो आई वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि नहीं ये मजा नहीं है BMW में इसलिए मैं इसमें आया नहीं तो लॉन्ग ड्राइव में BMW प्रेफर करता हूँ आई थिंक ये हमने सही किया इसमें पहले सोचा था इसी में जाएंगे क्योंकि वो ऊपर जब पास होगी ना मंकी जाएंगे तो उन्हें पास से देख पाएंगे एग्जैक्टली एंड निकल भी सकते हो अब हम टाइगर टेरिटरी में आ गए हैं ये टाइगर्स डर लग रहा है अभी तो नहीं अभी तो गाड़ी में बैठा हूँ ठीक है बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए हम शेर से कम है कोई वो शेर तो हम सवा शेर कॉशन यू आर एंटरिंग टाइगर टेरिटरी डेंजर डू नॉट गेट आउट ऑफ योर कार डू नॉट गेट आउट ऑफ योर कार डू नॉट ओपन योर विंडोज कीप योर डोर्स लॉक्ड यार बिल्कुल कैच सी लग रही है वैसे तो अरे मैं थोड़ा मेस्मराइज हो गया हूँ ये तो इट्स लाइक वाचिंग टाइगर किंग लाइव है ना सही में मैं जो एक्सोटिक तो कैरम बास्केट नहीं नेवर ओ ओ ओ ओ ओ दादा की चल रही है उसकी जो पीछे है उसकी ओ पुश हो रहा खेल रहे हैं पीछे आ रहे हैं काश यहाँ आ जाए फिर मैं उसके साथ ऐसे सेल्फी ले सकती हूँ या लायंस तो मतलब लायन तो गैंगस्टर होते हैं लायंस ऑफ लॉन्ग लीड सामने देखो Caution, you are entering lion country. Sound horn for help. Keep all windows closed. Danger, do not get out of car. देख वो भी ऊपर वो गेट हाउस में सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं कि कब ये गेट्स खोलने हैं कब नहीं Yes. कैसे गए लायन के हाँ यार दूसरा वुल्फ भी है वहाँ पे कितना मस्त दोनों वुल्फ सो रहे हैं अरे अनुभव मैम ये अभी हम बाहर ऐसे घूमे हैं शेर चीते आ गए तो भाग 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 आए शेर आए शेर शेरनी ये क्या है बताओ तो हम सबको हम कहाँ जा रहे हैं इतनी अच्छी जगह हम जा रहे हैं लॉन्गलीट हाउस ये बहुत पुराना हाउस है ऐसा लग रहा है वो मेरे ख्वाबों में जो आए वो वाला मुझे तो वैसा लग रहा है
बाय द वे ये लॉन्गलीट हाउस है, यहाँ पे मोहब्बते की शूटिंग हुई थी। ये कंफर्म न्यूज है? हाँ। गूगल पे सर्च मार के चेक किया? नहीं। ऐसे तो नहीं बोल रही, बस दिख रहा है वैसे तो। नहीं। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कभी खुशी के गम में वो शाहरुख का जो हेलीकॉप्टर है वो वहाँ नीचे आता था, फिर वो भाग के यहाँ आता था और अंदर जया बच्चन होती थी उसकी आरती उतारने के लिए रेडी। लोगों की जीके इतनी खराब है, मैं क्या करूँ। सच्ची में यही था जो शाहरुख खान फैंस है वो यहाँ आते हैं। तो मैं तो नहीं हूँ, मैं क्यों? मैं तो हूँ, तेरी वजह से आता हूँ। बहुत मजा आया आज, बहुत यार, इतना अमेजिंग डे था, लाइक वेल वर्थ एपिक। हमने लायंस भी देख लिए, टाइगर्स भी देख लिए, सब देख लिया और इतना ब्यूटीफुल है, तो एक बार ये पूरा दिखा। ये है ना सबसे ब्यूटीफुल। क्या कर रही है? इतनी सुंदर ट्री है और इतनी सुंदर स्त्री है, उसका क्या करें? उसकी भी फोटो ले। यार एक ले ले मेरी फोटो। इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, आई कांट इवन। इतने ट्रीज इतने ट्रीज एवरीवेयर। सो गाइस हमें बहुत भूख लग रही थी तो अब हम आ गए हैं सला थाई, जो है एक थाई रेस्टोरेंट, काफी पॉपुलर है यहाँ पे। हम अब यहाँ पे थाई खाएंगे क्योंकि थाई फूड भी हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट क्विजीन्स है। लास्ट व्लॉग में किसी ने कॉमेंट किया था कि आप लोग कभी भी कुछ हेल्दी नहीं खाते हो, या व्हेन विल वी सी समथिंग हेल्दी इन योर व्लॉग्स। तो उसका आंसर है नेवर। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। एशियन फूड वैसे काफी हेल्दी होता है, थाई फूड, जापानीज फूड काफी हेल्दी होता है क्योंकि उसमें फैट काफी कम होता है। तो आज भी हम थाई फूड खाएंगे। इतना हेल्दी नहीं है, सैलेड जितना हेल्दी नहीं है, बट रिलेटिवली काफी हेल्दी है। सो लेट्स गो। बहुत ही गर्म चिकन टॉम यम सूप। चिकन टॉम यम सूप, ये थाई रेस्टोरेंट आके अगर टॉम यम सूप नहीं किया तो क्या किया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? नहीं बना। मैंने ऑर्डर करी है मेरी फेवरेट थाई डिश, थाई ग्रीन करी। थाई ग्रीन करी इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। इसके साथ ऑप्शन थे अलग अलग टाइप के राइस के, बट आई लाइक जैस्मिन राइस। जैस्मिन राइस ऑर्डर किया क्योंकि थाई फूड के साथ तो सिर्फ जैस्मिन राइस जाता है। और अभिनव का फेवरेट डिश मैं थाई ग्रीन में हर जगह खाया था, पैड थाई। एंड उसके साथ ये चिली फ्लेक्स एंड पीनट्स ऊपर से डलते हैं, बहुत अच्छी होती है। एक्चुअली चिली फ्लेक्स तो मेरे लिए लाई है, उसने मुझे भी बोला कि मैंने उसे कहा था कि मेरी थाई करी एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देना, मैं बहुत स्पाइसी खाना खाती हूँ। तो उसने ये मेरे लाई है, उसने कहा कि ऑलरेडी उसने ये एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाई है एंड इसके साथ तुम और डाल के एक्स्ट्रा स्पाइसी और मिर्चियाँ खाओ। So guys, हमने खाना खा लिया है, पेट बहुत भरा हुआ है, बट हमने देखी रियल इटालियन आइसक्रीम जहाँ पे मिल रही है जिलाटो आइसक्रीम और इसकी फेवरेट बेल्जियन वॉफल। तो हमने कहा यार चलो मीठे के लिए थोड़ी सी तो जगह बना लेते हैं। एक्साइटेड हो गई हूँ क्योंकि यहाँ मिल रही है जिलाटो। क्रेप्स भी है, और खुद ही दे दिया मुझे, मेरे को तो चॉकलेट पहले चाहिए थे। मैं खाने वाली हूँ बेल्जियन वॉफल्स। तो उसमें आइसक्रीम डलवा ले, नहीं खा लेंगे बैठ कर? लाइट क्या चाहिए जब तू मेरी जिंदगी की इतनी रोशनी है। अरे रोशनी का अच्छा लग रहा है, कैसा है खाने में, कैसा लग रहा है खा के? तो बता, कैसे नहीं आता।
आधा घंटा ट्रिप खाएगी। चॉकलेट जो मेल्ट हो रही है ना मुंह में, मेल्ट और रिचनेस चॉकलेट की। हाँ। देखो उसका नशा, देखो जो ऐसे आँखों से दिख रहा है। नशा ही है, नशा है, नशा ही है। बहुत टेस्टी है यार। वॉफल हो तो बेल्जियन हो, वरना ना हो। और अपना रिव्यू तो दे अपनी जिलाटो का। ये अभिनव का फर्स्ट टाइम है जिलाटो खाते हुए। मेरी जिलाटो है चॉकलेट एंड पैशन फ्रूट। इतनी रिच है ये, इतनी लाइक इसका टेक्सचर बिल्कुल आइसक्रीम की तरह नहीं है। जैसे आइसक्रीम थोड़ी सी फाइब्रस होती है, ये बिल्कुल स्मूथ है एंड बहुत ही फ्लफी है। बिकॉज इसमें क्या मिसिंग है अभिनव? आइसक्रीम, क्रीम नहीं है इसमें। क्रीम नहीं है इसमें, बिकॉज इट्स नॉट आइसक्रीम। और इसके फ्लेवर्स भी ज्यादा रिच होते हैं आइसक्रीम से। और सबसे क्रेजी बात यह है कि आफ्टर ऑल ऑफ दैट जिलाटो एक्चुअली ज्यादा हेल्दी होती है और इसमें कैलोरीज कम्पेयर टू एन आइसक्रीम काफी कम होती है। सो लोग ऐसे फिट रह सकते हैं। Yes. बस बहुत फिटनेस दिखा दी तुमने। 9 बज गए। देखिए 9 टाइम्स होगी, 4 हो गया, 5 रात को हम यहाँ की सड़कों में, हम बहुत दूर है अपने घर से, 7 और हम ऐसे घूम रहे हैं जैसे कहीं कहीं रहते 8, हैं आसपास। अब एक लास्ट होगी। ओ मतलब मेरी नाइन गलत काउंटिंग हेल्दी खाना पड़ेगा। नो पिज्जा, नथिंग, कोई चीज नहीं, कुछ मीठा नहीं है ना। मीठा तो हम कम ही खाते हैं, बट लाइक बाकी अब हेल्दी करना पड़ेगा। जब मैं एम्स्टर्डम गई थी, मैंने एक हफ्ता एवरी डे वॉफल खाया था, एक लंच से पहले, एक डिनर से पहले। फिर मैं तब वहाँ पे एक अनुभव गई थी और वापस डेढ़ आई थी। चढ़ चिड़ गई, चिड़ गई, चिड़ गई। अच्छा नहीं नहीं 0.75 आई थी, ऐसी क्या बात हो गई, आधी आई थी। समान।